welcome back to my channel that is Nuha with Subbu. I hope you are doing very well and enjoying the festive season vibe. Main to bahut enjoy kar rahi hu. Entire year was like up and down, we all know that, but abhi I really want to enjoy this festival season that jitna ho sake. And for the same, this is another video in the series of festive season with Subbu. Yes. So guys, this is simple yet glammy look for Durga Puja, नवरात्रि और करवा चौथ. अब ऑल नो दैट अभी हमें कहीं नहीं जाना, बट अपने घर में तो हमने फेस्टिवल अपने पूरे दिल से सेलिब्रेट करनी है, तो अपने लिए क्यों ना अच्छी तरह से रेडी हो. तो ये एक सिंपल सा फेस्टिव सीजन लुक है जो आप करवा चौथ पे, दुर्गा पूजा पे, नवरात्रि पे या इवन दिवाली पे भी आप ये वेयर कर सकते हो. यहाँ पे मैंने लिपस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, रेड बोल्ड लिपस्टिक ली है विद अ काइंड ऑफ अ शिमर आई शैडो. आई रियली लाइक दिस लुक, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है. अगर आपने कोई साड़ी पहनी हो या बनारसी दुपट्टा, जैसे मैंने बनारसी दुपट्टा और सिंपल एक कुर्ता पहना है, उसके साथ ये लुक इतना अमेजिंग लग रहा है. जस्ट लव इट. एंड उसके साथ जस्ट मैंने एथनिक ज्वेलरी डाल रही, आप कुछ भी डाल सकते हो. आपको हैवी नेकलेस डालना है, इयर रिंग्स छोटे छोटे डालने हैं, वो आपकी मर्जी, बट आई रियली लाइक लॉन्ग एंड हैवी इयर रिंग्स, सो आई हैव पिक दिस वन. ये आजकल बहुत मीनाकारी टाइप के इयर रिंग्स चल रहे हैं, आई रियली लाइक इट. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम माई एंटायर ज्वेलरी हॉल. येस, ज्वेलरी हॉल के वीडियोज भी हैं, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी. और भी काफी वीडियोज आने वाले हैं, क्या क्या मैंने शॉपिंग की, कुर्तीज एंड ऑल सब कुछ होगा. एंड फॉर द सेम आई हैव क्रिएटेड दिस सीरीज, येस, जिसमें मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर ट्यूटोरियल एज वेल एज मेरे जो हॉल्स हैं, मैं अमेजोन पे भी शॉप करूंगी, फ्लिपकार्ट पे भी करूंगी. एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू माई ऑल फेस्टिव सीजन हॉल बिगेस्ट सेल जो भी आनी है, सभी शेयर करूंगी इस फेस्टिव सीजन सीरीज में. तो आज की जो वीडियो वो है हमारे इस सिंपल येट ग्लैमी दुर्गा पूजा या नवरात्रि मेकअप लुक. यस, बहुत ही सिंपल एंड येट एलिगेंट मेकअप लुक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट फर्दर एनी डू. बट स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब बटन देखो बिल्कुल नीचे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रीच 3K as soon as possible. हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो गाइज लेट्स बिगिन. आई हैव वॉश्ड माय फेस बट स्टिल आई डू हैव ऑयली स्किन, तो आई एम यूजिंग माइसेलर वाटर टू क्लीन आउट एनी काइंड ऑफ ऑयल और डर्ट प्रेजेंट ऑन माय स्किन. आफ्टर दिस आई एम यूजिंग एस नेचुरल रोज क्रीम. इट इज़ रियली अमेजिंग. इफ़ यू हैव ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, यू मस्ट ट्राई दिस क्रीम. इट गिव यू सच अ फ्लॉलेस बेस. And then for the primer, I have been using sugar tinted primer since months and I'm just loving it. It really covers the open pores magically. If you have oily skin, then this primer is must recommended. Here I'm using sugar stick foundation in shade 27. I'm using this foundation for the first time. It comes with a brush. It have a good coverage. I will not say it have a full coverage, but it have a pretty well coverage. I must say it blends very well, but I didn't like the brush applicator. You can clearly see when I was using the brush applicator, my foundation was looking quite cakey and overpowering, so I didn't like it. So I thought to do one side of my face with a brush and another with a sponge so that you can see the difference. Here I am taking my normal sponge and doing it, and now you can see it is blending amazingly. So I thought to do the entire face with a sponge for this look. So guys, don't forget your neck area. It is also important to apply foundation over there. So I am done with the foundation. I am pretty happy with the coverage it is giving me. Now it's time to concealer. Here I'm using Age Revive Concealer from Maybelline. It is a magic concealer, I must say. It hides your scar, hyperpigmentation or any kind of acne mark so well that I have no words. Just use a sponge or brush, whatever you want, and you are done with it. Also guys, all details of the product along with the shade and link will be present in the description. You can use those link and buy the product, and yes, those links are affiliate link. We will be getting a tiny bit of it if you buy from those links, so it will be really helpful for us if you use those link. You can clearly see how quickly the concealer is blending into my skin.
Now to set a concealer, I'm using here Fit Me Setting Powder. It is very important if you want your concealer to set for a long time and makeup as well. For oily skin, this is a must step to go for. Now I'm setting my base, just pumping out the makeup fixer on a sponge and dabbing it out. It will really set your base for a long time. Apply this step. After that, using a pressed powder or compact powder, you just set out your entire face. Now it's time to do eyes, but before that I'm just applying the lip balm because we are going for liquid lipstick that will make our lips dry. So this step is really important. Now let's start with the eyes. So first we are going to do eyebrows. So with the help of spoolie, I'm combing down my hairs and filling the gap. I do have a thick eyebrow, so I just need to fill the gaps and I'm done with that. And this is a really good eyebrow pencil under rupees 150. I got it for 108. It is from Swiss Beauty in shade brown. Link will be in the description. And I'm done with my eyebrows. Before applying the eyeshadow, I'm applying the setting powder so that any eyeshadow fallout should fall on it and my base should not be damaged. And before applying the tape, I am just reducing its glow by sticking on my back so that my base should not be compromised at all. We are going for shimmery ombre kind of look, so I am using Swiss Beauty and Makeup Revolution palettes, link description mein honge. But eyeshadow start karne se pehle, I am just using foundation so that meri jo eyes ka color hai वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाए. यहाँ पे हम ओम्ब्रे लुक क्रिएट करेंगे लाइक फ्रॉम लाइट टू डार्क टू डार्केस्ट. सबसे पहले मैंने यूज़ किया क्रीमी शेड और यू कैन से ब्राउन में सबसे लाइट शेड जो उनसा होता है. एंड लुक इट हाउ आई एम होल्डिंग द ब्रश. ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ना बिकॉज अगर आप उसको आगे से पकड़ोगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पुट करोगे एंड आपका जो ब्लेंड है वो हार्श लगेगा, अच्छा फ्लॉलेस नहीं लगेगा. फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट. अब आप एंड में देखना कि किस वे में सबसे ऊपर मेरा लाइट शेड होगा, उसके नीचे थोड़ा सा डार्क एंड फ्रॉम द आउटर कॉर्नर इट विल बी द डार्केस्ट. डार्क शेड को आपने बिल्कुल आउटर कॉर्नर से अंदर लेकर आना है. जस्ट लुक इट हाउ आई एम डूइंग. मैं बस सबसे डार्केस्ट शेड को बाहर रख रही हूँ या अपनी जो आईलेट है उसके हल्का सा ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाना बिकॉज हमें इसको एक ओम्ब्रे लुक देना है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से लोअरिंग द टोन ऑफ आई शेडोज. Guys, don't be in a hurry when you are applying eyeshadow. Blending is the key in eyeshadow. So blend it properly and you will get amazing look. And for the golden, I'm using here Swiss Beauty's palette. And this is an amazing golden. You can just see, I have just taken on my finger and just sliding out. With just one slide, it is giving so much good color. Just look at it. I love this effect. Going with the base ombre and uske upar glitters. This look is perfect for any festive season. And for the lower lashes, I'm using the darkest brown color. So guys, we are done with the eye makeup. And यहाँ पे मैंने gel eyeliner use किया, हल्का सा wing लगाया, बहुत bold नहीं किया, slightly सा, that will go well with these eye. And then काजल भी मैं same gel liner use कर रही हूँ. I love to apply काजल because काजल is my kind of thing. I can't go without काजल. For mascara, I don't go with the false one. I use a trick. I use the curler before applying the mascara and it really lift up your... So guys, yahan pe main MyGlam ka twisted mascara use kar rahi hu. Ye meri recent purchase hai and look at the magic. You just have to twist the wand and you get the twisted mascara. This is 2-in-1 mascara and it does magic. Just look at it. Main aapko close up dikhaungi. Bahut acha product. I have no words. And also guys, aapke liye अमेजिंग ऑफर चल रहा है. यू कैन गेट द फ्री माई ग्लैम लिपस्टिक. आपको क्या करना है, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में सर्वे का लिंक लो, जाओ वहाँ पे सर्वे दो एंड यू गेट योर माई ग्लैम लिपस्टिक टोटली फ्री. एंड लुक एट द मैजिक दिस मस्कारा इज डूइंग. आई लव माई ग्लैम प्रोडक्ट, दे आर रियली गुड. नाउ आई एम जस्ट डस्टिंग अवे द सेटिंग पाउडर एंड अगर कोई आई शेडो को फॉलो आउट होगा वो भी चला जाएगा इसके साथ. So I am doing a bit of contouring. I am not into a too much contouring game. So I am doing a bit of that. बस एक अंदाजे से, जैसे आपके यहाँ पे
चीक बोन्स आती है उसके साइड पे आपने लाइन लगा लेनी एंड उसको डाउनवर्ड्स करना है, बिकॉज हमने शेडो क्रिएट करनी है तो हमेशा डाउनवर्ड्स करो, फोरहेड को भी जब आप करोगे उसको डाउनवर्ड्स करो। नाउ विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू पेपर आपने जो लिप बाम लगाई है उसको रिमूव कर लो और जो भी फाउंडेशन या कुछ भी मेकअप का रेसिड्यू होगा वो भी चला जाएगा। इस टाइम तक आपके जो लिप्स होते हैं प्रॉपर उनको हाइड्रेशन मिल चुकी होती है। नाउ लेट्स बिगिन विद द लिपस्टिक। आई एम गोइंग फॉर अ बोल्ड रेड कलर। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर से अपने प्रॉपर लिप्स की आउटलाइन करूँगी एंड उसको कवर करूँगी। लिप लाइनर इज मस्ट, पहले मैं नहीं यूज़ करती थी बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी शेड की लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो गो फॉर अ लिप लाइनर एज अ बेस। उससे क्या होगा, अगर आपकी लिक्विड लिपस्टिक उतर भी जाती है अगर आप कुछ खाते हो तो यू हैव अ प्रॉपर बेस। I am using 220 ambitious shade from Maybelline in this is my favorite red color for festive season। और इसकी स्टिंग पावर तो अमेजिंग है। 7 to 8 hours तक लिपस्टिक आपकी कहीं नहीं जाती, आपको स्टिल मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करनी पड़ती है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप बाय कर सकते हो। सो वी आर डन विद दैट। बट अब मेरे 2 फेवरेट स्टेप है, वन इज़ ब्लश एंड अनदर इज़ हाईलाइटर। ब्लश यहाँ पे मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस, इट गिव अस सच अ सटल नेचुरल पिंक चीक्स काइंड ऑफ लुक। आई लव दिस वन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, बार बार कह रही हूँ, ऑफर चल रहे हैं, ले लो। एंड देन दिस इज द मैजिक प्रोडक्ट, एवरी वन शुड ओन इट। इट इज़ अ मेबलिन हाईलाइटर, आई लव इट, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स कितना मुझे ये पसंद है। आई कांट गो रॉन्ग विद दिस, आई नो, आई लव इट। हल्का सा और आपकी लुक इंटायर चेंज हो जाती है। You just have to take a tiny bit and apply on the high points like on forehead, on nose, on cheeks and inner corner of eyes and see the magic। और उसके बाद entire makeup को set करने के लिए makeup fixes spray। This is amazing spray guys and we are done। बस एक रेड बिंदी लगानी है और आपकी नवरात्रि की दुर्गा पूजा की लुक रेडी है। आई होप यू लाइक दिस लुक। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने बनारसी से दुपट्टा ऐड किया अपने कुर्ता में और एथनिक ज्वेलरी वेयर की है। ये एथनिक ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, पद्मावती कलेक्शन से है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दुपट्टा भी अगर आपको बाय करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आई हो। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी, सिंपल सी एलिगेंट सी लुक है जो किसी भी फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी लगेगी। So guys, this was for my today's video. I hope you like it. If you like this video, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and also follow me on Instagram. I am coming up with amazing video for this festive season. So stay tuned guys. Till then, take care. Bye-bye.